हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो कि आप लोगों को सिखाने वाले हैं कि पिक्सेल में कैसे फॉन्ट को ऐड किया जाता है। बेसिकली आप लोग क्रिएटर होंगे तो आप लोग जो कि थंबनेल को क्रिएट करते होंगे जो कि यहाँ पर पिक्सेल लेप के थ्रू, और पिक्सेल लेप में जो कि यहाँ पर बहुत कम मात्रा में जो कि वहाँ पर फॉन्ट वहाँ पर दिया हुआ रहता है। तो सारा चीज़ जो कि आप लोग को बताएंगे कैसे फॉन्ट को यहाँ पर डाउनलोड किया जाता है, उसके साथ साथ कैसे आपको यहाँ पर फॉन्ट को वहाँ पर एग्जेक्ट किया जाता है। तो आप लोग वीडियो में आप लोग बने रहिए। यदि आप अपना मन के अनुसार से यहाँ पर फॉन्ट को यूज़ करते हैं तो आपका थंबनेल जो कि यहाँ पर क्लिक वेट होता है और आपका जो कि थंबनेल बहुत ही क्रिस्प से देखने को लगता है। तो आज के इस वीडियो में जो कि आपको सारा चीज़ बताएंगे कैसे यहाँ पर फॉन्ट को यहाँ पर डाउनलोड करते हैं, कैसे फॉन्ट को यहाँ पर एग्जेक्ट करते हैं, तो सारा चीज़ आज के इस वीडियो में जो कि आप लोग को बताएंगे। और गाइस, अभी उससे पहले यदि वीडियो पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए। तो चलिए गाइस, आज इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं और आप लोगों को जो कि मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर चलते हैं, उसके बाद सारा चीज़ आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। तो फाइनली दोस्तों, आपको जो कि यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पर चले आना है और यहाँ पर जो कि आपको दिखाते हैं यहाँ पर पिक्सेल यहाँ पर ओपन करते हैं। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है गाइस जो कि यहाँ पर जो थंबनेल बना है, जो कि यहाँ पर आपको भी ऐसा ही टेक्स्ट जो कि आपको यहाँ पर ऐड करना है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरा थंबनेल है जो कि यहाँ पर एक्स्ट्रा से हमें ऐड किए हैं, और कैसे जो कि हम फॉन्ट को ऐड किए हैं जो कि आप लोगों को बताएंगे। तो फॉन्ट को ऐड करने के लिए सबसे पहले जो कि आपको जाना है यहाँ पर क्रोम के वेबसाइट के ऊपर, और क्रोम के वेबसाइट के ऊपर आपको यहाँ पर सर्च करना है यहाँ पर द फॉन्ट। यहाँ पर सर्च करने के बाद जो कि आपको कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका वेबसाइट होगा जो पहला वाला, जो कि यहाँ पर रेड यहाँ पर देखने को मिल रहा है, द फॉन्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो द फॉन्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद जो कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पर बहुत सारे जो कि यहाँ पर फॉन्ट यहाँ पर दिया गया है। आप अपना अकॉर्डिंग से यहाँ पर फॉन्ट को यहाँ पर डाउनलोड करके और अपना जो कि यहाँ पर थंबनेल में ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर देख रहे हैं जो कि यहाँ पर कार्टून का, कमिंग का और यहाँ पर वेस्टर्न का, तो आप अपना अनुसार जो कि यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहेगा। यहाँ पर कोई भी फॉन्ट को यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए बेसिकली यहाँ पर देख सकते हैं जो कि यहाँ पर राइट साइड यहाँ पर दिया गया, जो कि यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है, तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ जो कि यहाँ पर डाउनलोड हो गया है तो आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाते हैं जो कि यहाँ पर डिफरेंट यहाँ पर फॉन्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं जो कि यहाँ पर जो मेरा फॉन्ट है जो कि यहाँ पर बहुत यहाँ स्टाइलिश यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन के ऊपर गए हैं, उसके बाद यहाँ पर बेसिकली आपको डाउनलोड कर लेना है जो भी आपका डाउनलोड होगा, जो कि आपका एक फाइल में यहाँ पर जाके यहाँ पर बन जाएगा। उसके बाद आपको आगे प्रोसेस बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पर बहुत सारे जो कि यहाँ पर फॉन्ट दिया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जी यहाँ पर जो कि फॉन्ट यहाँ पर दिया गया जो कि यहाँ पर वेस्टर्न, तो वेस्टर्न के ऊपर क्लिक करने के बाद जो कि यहाँ पर देख रहे हैं जो कि यहाँ पर 3D टाइप यहाँ पर लग रहा है, जो कि यहाँ पर वेस्टर्न जो यहाँ पर फॉन्ट दिया गया है, तो इसको हमको डाउनलोड करना है। तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो डाउनलोड हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो फॉन्ट दिया गया है जो कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पर वेस्टर्न यहाँ पर लिखा गया है, और यहाँ पर जो कि नीचे देख सकते हैं जो कि अच्छा अच्छा यहाँ पर फॉन्ट दिया गया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग से यहाँ पर फॉन्ट को यहाँ पर चूज़ करके और यहाँ पर जो कि आपका साइज़ भी यहाँ पर बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 15 तक यहाँ पर जो कि फॉन्ट यहाँ पर डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा, तो आप अपने हिसाब से जो कि यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद चले गाइस, आपको यहाँ पर फाइल के ऑप्शन के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो फाइल के ऑप्शन के ऊपर यहाँ पर मेन जरूरी होता है कि आपका जो भी फॉन्ट होता है जो कि यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, तो जो भी आपका यहाँ पर फॉन्ट होगा जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो बेसिकली इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन दिया गया है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर सेलेक्ट फोल्डर, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि यहाँ पर फोल्डर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर फोल्डर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि यहाँ पर फॉन्ट अमित यहाँ पर जो कि मेरा फोल्डर है यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो वहाँ पर एक्सट्रैक्ट हेयर जो कि यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर फाइनली गाइस यहाँ पर जो मेरा फॉन्ट है जो कि यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो गया है। उसके बाद चलिए गाइस, आपको यहाँ पर पिक्सेल में जो कि आपको ऐड करके आप लोगों को बता देते हैं कैसे यहाँ पर ऐड करते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पर जाना है जो कि यहाँ पर पिक्सेल लैब के एप्लीकेशन के ऊपर, उसके बाद यहाँ पर आपको बता दें गाइस कैसे यहाँ पर फॉन्ट को यहाँ पर ऐड करते हैं। तो फॉन्ट को यहाँ पर ऐड करने के लिए बेसिकली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर आपको यहाँ पर जाना है जो कि यहाँ पर फॉन्ट के ऑप्शन के ऊपर जाना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो बेसिकली जो भी मेरा फॉन्ट है जो कि यहाँ पर पहले से यहाँ पर जो पिक्सेल के थ्रू यहाँ पर दिया गया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि बहुत ही कुछ यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद जो मेरा माई फॉन्ट होगा, तो कोई भी आपको यहाँ पर फॉन्ट को यहाँ पर ऐड करना, तो बेसिकली यहाँ पर देख रहे हैं जो कि यहाँ पर प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करना है, और जो भी यहाँ पर फॉन्ट यहाँ पर सेव किए थे तो यहाँ पर फॉन्ट एमएस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, ऐड करना है।
तो बस यहाँ पर अमेरिकन जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर ऐड सेलेक्टेड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा अमेरिकन कैप्टन जो यहाँ पर था जो कि यहाँ पर ऐड हो गया है, जो कि फॉन्ट यहाँ पर ऐड हो गया। तो बेसिकली आपको यहाँ पर प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऐड सेलेक्टेड के ऑप्शन के ऊपर जाना है। तो यहाँ पर फाइनली गाइस यहाँ पर देख सकते हो जो मेरा फॉन्ट है जो कि यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो आई होप कि आप लोग फॉन्ट को यूज करना आप लोग सीख गए होंगे। यदि आप लोग सीख गए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।